हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूक्रेन में फंसे हुए 242 विद्यार्थी पहुंचे दिल्ली। एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे इन विद्यार्थियों में 13 विद्यार्थी राजस्थान के शामिल। एयरपोर्ट पर बनी राजस्थान हेल्प डेस्क पर यूक्रेन से लौटे इन विद्यार्थियों को किया रिसीव। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव ने हेल्प डेस्क पर विद्यार्थियों को फूल मालाएं पहनाकर किया स्वागत। गमगीन बच्चों ने हेल्प डेस्क पर श्री धीरज के गले लगकर सुनाई यूक्रेन की आपबीती। विद्यार्थियों ने उनके यूक्रेन में फंसे होने के दौरान विभिन्न माध्यमों से पहुंचाई गई हर संभव मदद के लिए आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का दिल से जताया आभार। श्री धीरज ने बताया कि सुबह सुबह पहुंची एयर इंडिया की इस फ्लाइट में 242 नागरिक स्वदेश लौटे हैं, जिनमें राजस्थान 13 विद्यार्थी शामिल हैं। इनमें भरतपुर के 2, हनुमानगढ़ के 4, उदयपुर क्षेत्र के 2, जयपुर, सीकर, नागौर, गंगानगर और कुचामन सिटी के 1-1 विद्यार्थी हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी मेडिकल स्टूडेंट्स को यहां से सुरक्षित इनके घर तक पहुंचाने की सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई हैं। इनमें से 2 बच्चे उदयपुर क्षेत्र के हैं, जिन्हें फ्लाइट से भेजा जा रहा है, तथा सीकर के बच्चों को यही एयरपोर्ट से टैक्सी के माध्यम से भेज रहे हैं। 9 स्टूडेंट्स राजस्थान हाउस जा रहे हैं, जहां से इन्हें इनकी सुविधा अनुसार राज्य की व्यवस्थाओं से इनके घर भेजा जाएगा। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।